हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, अगर आप भी अपनी GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में आपको मैं GTA 5 के लेटेस्ट वर्जन पे मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आपको मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करने से पहले अपनी GTA 5 में चले जाना है, जहाँ पे आपकी GTA 5 इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे जाके आपको एक मॉड्स का फोल्डर बनाना है, जैसे मैंने ये बना रखा है। और उस मॉड्स के फोल्डर में आपको ये अपडेट को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है मॉड्स के अंदर। मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। लेकिन आपको कॉपी होने देना है। जब आपका कॉपी हो जाएगा तो आपको कुछ RPF फाइल भी उस मॉड्स के फोल्डर में डालनी पड़ेगी, जैसे AEGIW। ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो AEGIW, ये 5 RPF फाइल आपको यहाँ से कॉपी करनी है, AEGI और W लास्ट वाली। इसे कॉपी करके आपको मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूँगा, मैं स्किप कर रहा हूँ, पर आपको इसे कॉपी करना है। तो गाइज, उसके बाद आपको अपडेट फोल्डर ओपन करना है, X64 ओपन करना है, और DLC पैक में इन सबको आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये हमारी GT5 में पहले से ही पड़े हुए हैं, ये हम दोबारा स्पेस नहीं भरेंगे। अच्छा, इससे आपका स्पेस कम लगेगा। तो गाइज, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब आपको ये 4 चीज़ें डाउनलोड करनी है, मेनू ट्रेनर, नेटिव UI, स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट। तो ये चारों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने इन्हें एक्सट्रैक्ट करके रखा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाना है। स्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया। अब इसके बाद आपको जाना है उसी डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में जाके आपको जो नेटिव UI है, रिलीज वाला जो है, ये नेटिव UI है, आपको इसकी जो ऊपर वाली है नेटिव UI.dll, इसे कॉपी करना है और स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। तो गाइस, आपका एक स्टेप डन हो गया है। अब दूसरा जो है आपको करना है, स्क्रिप्ट हुक वी, जो ये है स्क्रिप्ट हुक वी, इसे ओपन करना है, और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट dll और डिनपुट 8dll, इन दोनों को आपको करना है कॉपी, और आपको इन दोनों को भी स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में, सॉरी, मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए मुझे ये दिखा रहा है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब आपको करना है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, इसकी 3 फाइल्स जो मैंने सेलेक्ट की है, ASI और dll फाइल्स, ये आपको करनी है कॉपी और GTA 5 की फोल्डर में डाल देनी है, जो मेन डायरेक्टरी है। यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये 3 हमारे 3 स्टेप्स डन हो चुके हैं गाइस। अब आपको लास्ट करना है डाउनलोड्स में जाके मेन्यू ट्रेनर, ये जो ट्रेनर है आपको इसे ओपन करना है, और आपको menu.asi और मेन्यू स्टफ, इन दोनों को कॉपी करना है GTA 5 की फाइल लोकेशन में, जो मेन डायरेक्टरी है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर दिया है, शॉर्टकट से कर दिया था। तो गाइस, हमारा स्टेप डन हो चुके हैं, अब चलते हैं GTA 5 पे। और गाइस, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ओपन IV क्यों नहीं किया। गाइस, ओपन IV हमें गाड़ियाँ डालने के लिए चाहिए होता है, मेन्यू के लिए सिर्फ ओपन IV नहीं चाहिए। ये देख सकते हो, मैंने मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल कर लिया और ये चल भी रहा है। आप F8 की प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा मोड, इससे आप कोई भी गाड़ी अपनी मंगवा सकते हो। व्हीकल स्पॉनर में जाके मैं सुपर कार्स कोई भी मंगवा सकता हूँ। आप देख सकते हो, गाड़ी आ गई है। और गाइस, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप इसमें टाइम भी चेंज कर सकते हो, इसमें आप सुनामी का तो मोड डालना पड़ता है, और भी बहुत सारे वेदर ऑप्शंस है, टाइम ऑप्शंस है, मिस्क भी आ सकते हैं। ये देखो गाइस, मैंने सुबह कर दी है शाम से,
अब मैं देखो आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, मैं स्केयर मोड। अब आप इस मोड में देखना पूरी तबाही मच जाएगी, कैसे हर जगह पे ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे हैं, बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, कभी कभी बिजली कड़क रही है। तो गाइस ये मोड बहुत अच्छा है GTA 5 के लिए, आप सभी इसे डाउनलोड करो, आपकी गेम खेलने में आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक आप गेम प्ले एंजॉय करो।